हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल, दिस इज अमीश यादव एंड यू आर वाचिंग थ्रॉटल्स ऑन फायर। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई स्कूटर लेने का इस मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ, तो बिल्कुल इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करेंगे उन टॉप 5 बेस्ट स्कूटर्स के बारे में जो कि काफ़ी अच्छी है लेने के लिए, और मैं प्रेफर करूँगा अपनी तरफ से कि आप इन पाँचों में से लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जो स्कूटर्स हमने अपनी लिस्ट में रखी हैं वो ये है, Honda Activa 125, TVS Jupiter, TVS Ntorq 125, Suzuki Axess 125 and at last Honda Activa 6G। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 5 जिसमें हमने रखा है TVS Jupiter को, क्योंकि इसमें 5 वेरिएंट्स अवेलेबल है। तो TVS Jupiter SMW, TVS Jupiter, TVS Jupiter ZX, TVS Jupiter ZX Disc, TVS Jupiter Classic। तो इनमें थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलेगा, एसेसरीज बढ़ जाएंगी टॉप वेरिएंट में। इसमें आपको इंजन डिस्प्लेसमेंट 109cc का देखने को मिलेगा, फ्रंट ब्रेक्स ड्रम मिलेंगे, व्हील टाइप एलॉय रहेगा, टायर टाइप ट्यूबलेस रहेगा, सीट हाइट 765mm रहेगी, किक एंड सेल्फ स्टार्ट दोनों अवेलेबल है। एंड पावर की हम बात करें तो इसमें आपको 7.47 PS एट 7000 RPM मिलेगी। नंबर 5 पर रखने का कारण इसकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू वो स्कूटर्स जो इसी प्राइस सेगमेंट में लाए करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर माइलेज की बात करें तो इसमें आपको 40-45 KMPL का माइलेज ईजिली दे। सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्कूटर इज होंडा एक्टिवा 6G। इसमें आपको इंजन डिस्प्लेसमेंट 109cc का देखने को मिलेगा, एमिशन टाइप BS6 रहने वाला है, पावर इसमें 7.79 PS एट 8000 RPM रहेगा। अगर इसकी माइलेज की बात करें तो ईजिली 50-55 KMPL का माइलेज दे देती है गाड़ी। और गियर्स की हम बात करें तो इसमें CVT गियर मिलेंगे और कोई भी ABS देखने को नहीं मिलेगा, और व्हील टाइप इसमें शीट मेटल रहेंगे और टायर टाइप ट्यूबलेस रहने वाला है। अब इसका जो कर्व वेट है दोस्तों वह है 107 kg, जो बहुत बड़ा कारण है कि जो इसका पिकअप है ये जुपिटर से थोड़ा सा कम रह जाता है। बट अगर आप इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी देखेंगे तो वो कई गुना ज़्यादा अच्छी है TVS जुपिटर के। तो यहाँ दोस्तों या तो आप बिल्ड क्वालिटी देख सकते हैं या तो फिर आप पिकअप के मामले में TVS जुपिटर को चूज़ कर सकते हैं। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन आप जानना चाहेंगे तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप होंडा एक्टिवा 6G को ही परचेस करें, क्योंकि पिकअप जो है बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, स्लाइटली अंतर है। तो वैसे भी हम एक जनरल सी बात है कि हम अगर स्कूटर खरीद रहे हैं तो हम ना ही उसे रेसिंग करने वाले हैं और ना ही हम उसे तेज़ स्पीड में भगाने वाले हैं। तो इसीलिए अगर आप लंबे समय तक किसी स्कूटर को चलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक अच्छा इंजन रिफाइनमेंट मिले और टफ़ क्वालिटी की जो मेटल यूज़ किया जाए गाड़ी में वो होना चाहिए, तो जी हाँ दोस्तों आपको होंडा एक्टिवा 6G ही प्रेफर करूँगा मैं। सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इज TVS Ntorq, जिसे हमने नंबर 3 पे रखा है। ये एक 125cc सेगमेंट की गाड़ी है और इसमें अगर इंजन डिस्प्लेसमेंट आप देखना चाहेंगे तो वो मिलेगा आपको 124cc का, एमिशन टाइप अगेन BS6 रहने वाला है, पावर इसमें 9.38 PS एट 7000 RPM की ये प्रोड्यूस करेगा। और माइलेज की हम बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि ये 51.54 KMPL का माइलेज हमें देगी। अगर ऑन रोड हम देखा जाए कि अगर डे टू डे हमारे पर्सनल यूज़ पे देखें तो हमें आसानी से 40-45 का माइलेज आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। देन गियर्स इसमें CVT रहेंगे, कर्व वेट इसका 118 kg रहेगा यानी कि 118 kg, और व्हील टाइप इसमें एलॉय रहेंगे और टायर टाइप अगेन ट्यूबलेस ही रहने वाला है। अब इसकी जो खासियत है, एक तो ये TVS Ntorq की जो खासियत है यानी कि ये अच्छा पिकअप देगी, अच्छी फाइबर बॉडी है जो कि अच्छी क्वालिटी का फाइबर यूज़ किया गया है, फ्रंट में आपको फुल LED हेडलैम्प्स मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छी एक अट्रैक्टिव डिज़ाइन लगती है, स्पोर्टी लुक देती है, और इसमें मीटर कंसोल भी आपको डिजिटल मिलेगा। वेरस आपने बाकी स्कूटर्स देखे होंगे तो उसमें कई जगह आपको एनालॉग मीटर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगा डिजिटल मीटर। तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस गाड़ी है, फुली फीचर लोडेड गाड़ी है, और ये स्कूटर आप अगर यंगस्टर्स के लिए प्रेफर करना चाहूँगा कि अगर यंगस्टर्स चाहते हैं कि वो एक स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो वो बिल्कुल TVS Ntorq 125 की ओर जाएं। मूविंग ऑन टू एक्सेस 125, जिसे हमने नंबर 2 पर रखा है। तो चलिए आगे बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो आपको इसमें 124cc का इंजन डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा,
एमिशन टाइप BS6 रहने वाला है। पावर की बात करें तो ये 8.7 PS एट 6750 RPM प्रोड्यूस करेगा और माइलेज ये कंपनी के अकॉर्डिंग 52.45 KMPL का क्लेम करती है कंपनी। और गियर्स इसमें CVT रहेंगे, व्हील्स टाइप इसमें एलॉय रहेगा, टायर इसमें ट्यूबलेस है और सीट हाइट की बात करें तो ये 773 mm की रहेगी और कर्व वेट दोस्तों इसका 104 kg रहेगा। ओवरऑल अगर आप बात करें कि परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस में कहीं भी ये पीछे नहीं है किसी भी गाड़ी से। इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, इसका इंजन रिफाइनमेंट बहुत अच्छा है और माइलेज भी काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस कर देती है। दोस्तों अब बात करेंगे हम स्कूटर ऑन डिमांड होंडा एक्टिवा 125। क्या तो स्कूटर है, व्हाट अ डिजाइन, सीरियसली बताऊं आई लव इट। लार्ज अलॉय व्हील्स, टायर टाइप इसमें ट्यूबलेस मिलता है आपको, इंजन तो मक्खन है, 124 सीसी का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। पावर की हम बात करें तो इसमें 8.29 PS एट 6500 RPM मिलेगी और माइलेज की तो बात करें तो दोस्तों इसने सबको पीछे छोड़ दिया है। इसका जो माइलेज है हमें आसानी से इसमें 45 to 50 KMPL का माइलेज इजीली मिल जाना है और इसका जो कर्व वेट है वो 111 kg है और गियर टाइप इसमें CVT रहेगा। जब से सुन रहे हैं मैं काफ़ी देर से कह रहा हूँ कि इसमें सारी स्कूटर्स में गियर टाइप CVT मिल रहा है, तो CVT का मतलब क्या है दोस्तों, CVT का मतलब है कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन, मतलब एक सिंगल स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है। अब बात करेंगे सबकी प्राइसिंग की तो होंडा एक्टिवा 125 की प्राइसिंग स्टार्ट होती है 69,000 से और ये वेरी करती है 76,000 तक। सुजुकी एक्सेस 125 स्टार्ट्स फ्रॉम 70,000 टू 79,000। होंडा एक्टिवा 6G के जो वेरिएंट्स है वो प्राइस्ड है 65,000 से लेके 68,000 तक। TVS Ntorq 125 is priced at 68,000 to 77,000. TVS Jupiter is priced at 63,000 to 70,000. So thank you so much दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है और आपको काफ़ी पसंद आई है या फिर नहीं भी आई है तो आप कमेंट डाउन करें और अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you so much dosto for watching this video, hope you like this video and we'll meet you in the next video soon, till then take care, bye bye.